हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पेपर टू में जो इंग्लिश का क्वेश्चन आया था वो अनसीन पैसेज के हम आंसर की देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पेपर वन और पेपर टू दोनों के इंग्लिश पेडागॉजी के हमने आंसर की देख लिए हैं। साथ में हमने ईवीएस पेपर वन का भी आंसर की कुछ क्वेश्चन देखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन नियरली अबाउट, और हमने सोशल साइंस पेपर टू के भी आंसर की 20 क्वेश्चन के हमने आंसर के देखे हुए हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं लिंक अटैच करवा दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। साथ में जो पेपर वन का पेडागॉजी का क्वेश्चन हमने देखा है वो हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं, 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है, साथ में उसका पैसेज भी रिमेनिंग है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आज के सेशन में हम क्या देखने जा रहे हैं, हम आपके पेपर टू में जो इंग्लिश पोर्शन के अनसीन पैसेज से जो क्वेश्चन आए थे उसके हम आंसर की देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा इस आंसर की को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आंसर्स को मिला सके। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। हमारा 61st क्वेश्चन दिया हुआ है, द वर्ड सिम्पलटन मीन्स फुलिश इंटेलिजेंट सिंपल ड्रंकर्ड। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पैसेज को पढ़ा कैसे जाता है, कि हमें यदि नहीं भी पता है तो हम कैसे आंसर में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपलटन एंड एन इंटेलिजेंट मैन। ये बताओ अंतर हम अक्सर किसका देखते हैं, जो अपोजिट्स होता है, क्या होता है, जो अपोजिट चीज होती है उसी का हम अंतर हमेशा देखते हैं। तो जो अपोजिट है, जो अलग है, तो इंटेलिजेंट तो एटलीस्ट हमें पता है ना, होशियार होता है, तो उसका विपरीत क्या होता है, मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख। अब बताओ मूर्ख कहाँ लिखा है, फुलिश, ठीक है। हमें नहीं पता था कि सिम्पलटन मतलब फुलिश होता है, बस हमने अपने अपने पैसेज से देखा और समझ गए, ठीक है। फिर क्या 62nd, we always question the bona fides of the man who tells an unpleasant facts. We always question the bona fides, ठीक है। हम हमेशा उसकी bona fides मतलब क्या होता है कि a person's honesty, bonafide का मतलब क्या होता है, persons honesty or intention, honesty or intention, ठीक है। हम उसकी ईमानदारी, उसके intention पे हमेशा प्रश्न चिन्ह उठा रहे होते हैं। तो यहाँ पे bonafide किस रूप में लिया गया, adjective के form में लिया गया, किस रूप में, adjective है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, its pervasiveness and force have not properly been recognized because like breathing it is so much a part and parcel of human activity. The word in italics pervasiveness is used as, देखो यदि आपको noun की rule पता है ना कि हम noun को कैसे पहचानते हैं, तो आपको ये पता होगा कि यदि किसी word के end में यदि ness लगा रहता है, T-I-O-N लगा रहता है, इस तरीके से यदि वर्ड लगे रहते ऐड रहता है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। तो पर्वेसिवनेस व्यापकता, व्यापकता यहाँ पे क्या बता रहे, नाउन है यहाँ पे, ठीक। फिर 64 क्या, द सेल्फ डिफाइंड इंटेलिजेंट मैन डिफाइंस हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ, कोई अपने अपने से ही हमने डिफाइन कर दिया कि हम होशियार है। तो हम होशियार कब बोलते हैं अपने आप को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पैसेज में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन क्या है, यानी कि अंतर है, अंतर है। इसका मतलब कि वो क्या, वो क्यों बोला कि मैं होशियार हूं, वो अंतर की वजह से बोल रहा है, अंतर यानी कि his obvious divergence from the simpleton, अंतर की वजह से पैसेज में दिया द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन के आगे वो क्या बोल रहा है, According to the man who is convinced that he is of the latter category, वो बिल्कुल एकदम convinced है, एकदम संतुष्ट है कि नहीं मैं तो दूसरे प्रकार का हूँ, दूसरे प्रकार का मतलब मैं तो होशियार हूँ, मैं तो होशियार हूँ, यानी कि वो अपने आप को अलग बता रहा है, यानी कि मैं उससे अलग हूँ, अलग मतलब divergence, ठीक है। His obvious divergence from the simpleton, simpleton means मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति है ना। फिर 65 क्या दिया हुआ है, people who solicit others opinion about themselves generally want, क्या चाहते हैं वो, effusive compliments चाहते हैं, honest criticism चाहते हैं, harsh facts चाहते हैं, या precise fact या precise feedback चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो, I want an honest criticism,
I want an honest criticism that will help me, not blind compliments. Not blind compliments. उसको क्या चाहिए? मुझे honest criticism चाहिए. अपने अपने बारे में क्या चाहिए? I want. मुझे अपने बारे में honest criticism चाहिए. तो क्या होगा? About themselves. यानी कि अपने बारे में क्या चाहिए? तो honest criticism चाहिए हमें. ठीक. फिर क्या? What according to the writer is the essential link between breathing and the critical faculty. ब्रीदिंग में और क्रिटिकल फैकल्टी में एसेंशियल लिंक क्या है? बोथ आर रिक्वायर्ड इन सोशल रिलेशंस, बोथ आर एक्सरसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, बोथ ग्रो विद एज और बोथ स्टॉप विद डेथ. देखो क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, यानी कि पैसेज में ये आंसर दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है देखो. यहाँ पे द क्रिटिकल फैकल्टी इज द मोस्ट पोटेंट वन इन द ह्यूमन मेकअप. पहली बात ह्यूमन मेकअप में, ठीक है. इट परवेसिवनेस एंड द फोर्स हैव नॉट प्रॉपरली बीन रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज लाइक ब्रीदिंग इट इज सो मच अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. मानवीय गतिविधियों का ये क्या है? पार्ट है. मानवीय गतिविधियों का पार्ट है. इसका मतलब बोथ आर एक्सरसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. पैसेज में दिया हुआ है हमारे आंसर. फिर क्या है? द नेगेटिव साइड ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी इज दैट. नकारात्मक पक्ष क्या है क्रिटिकल फैकल्टी का? इट मेक्स अस क्रिटिकल ऑफ अदर्स, इट मेक्स अस क्रिटिकल ऑफ आवरसेल्फ्स. इट साउंड्स डिग्निफाइड बट इट इज नॉट एक्चुअली सो. इट इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग क्लासिफिकेटरी डिविजन. तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमें ऐसे पता चलेगा कि हमेशा क्या बताया गया है. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द क्रिटिकल फैकल्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ गिव एंड टेक इन लाइफ. बहुत कुछ उसने दिया जो क्रिटिकल फैकल्टी है, ठीक है. इट इंक्रीजेस अवर अवेयरनेस ऑफ अवर सराउंडिंग. अपने आसपास के बारे में भी हमें जागरूक कर रहे हैं. इट साउंड्स डिग्निफाइड, नो डाउट, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है. लेकिन बट मतलब लेकिन, यानी कि कुछ विपरीत, बहुत अच्छा अच्छा किया वो, लेकिन कुछ अलग, कुछ गलत भी है. क्या है? इट सीम्स ऑल्सो टू मीन दैट वी कैन वॉच समवन एल्स बैक बेटर देन आवर ओन. लेकिन ये ना, ये चीज का भी हमें एहसास करवा रहा है कि हमें दूसरों में भी कुछ अच्छाई देखनी चाहिए अपनी अपेक्षा. हम अपनी तुलना कुछ दूसरों में भी अच्छा देख ले. यानी कि इसका नकारात्मक पक्ष क्या है? ये हम इसका नकारात्मक पक्ष यदि हम देखें, इट मेक्स अस क्रिटिकल ऑफ अदर्स. ये हमेशा हमेशा क्रिटिकल बनाता जाता है, क्रिटिकल फैकल्टी, ठीक है. इट मेक्स अस क्रिटिकल ऑफ अदर्स, यानी कि लेकिन क्या बोला गया, हम दूसरों की अच्छाई भी देख लें, है ना, अच्छाई भी देख लें. तो यानी कि ये हमेशा क्या किया, हमेशा क्रिटिकल बनाया हमें दूसरों के बारे में. इट मेक्स अस क्रिटिकल ऑफ अदर्स. हमेशा हमें क्या करना है, बस उसकी हमें निंदा करनी है, बस ये तुम्हारी गलतियां हैं. निंदक नियरे राखिए वाला यहाँ पे बिल्कुल उसी के, यदि हम देखें तो ये आपका पूरा पैराग्राफ उसी पर बेस्ड है. निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए. तो बस वैसे ही है, ये पूरा पैराग्राफ वही है, ठीक है. फिर क्या है? 68. The difference between the simpleton and the intelligent man. The word in italics simpleton is used as. मैंने आपको क्या बताया, सिंप्लिटन क्या है? मूर्ख व्यक्ति है. व्यक्ति के बारे, व्यक्ति है वो, क्या है? व्यक्ति है वो, ठीक है. तो वो क्या है? नाउन है. सिंप्लिटन क्या होता है? नाउन है यहाँ पे. फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? ही इमेजिन्स हिज इंटेलिजेंस टू बी सीव ऑफ क्लोजली वूवन मेश. टू सीव यानी कि छानेगा किससे? क्लोजली वूवन मेश थ्रू विच नथिंग बट द फाइनेस्ट कैन मैन. यानी कि वो इतना होशियार, वो सोच रहा है कि जो मेरी बुद्धिमत्ता है ना, वो ऐसी है कि मतलब कि मेरे सामने से ना, कि ऐसी है कि क्लोजली वूवन मेश, बुना हुआ कपड़ा. बुना हुआ मेश मतलब क्या है? बुना हुआ क्या होता है? क्या आप प्लास्टिक को बुन रहे हो, ग्लास को बुन रहे हो? नहीं, नेट रहेगा तो उसे तो सब छन जाएगा. लेकिन वो बोल रहा है कि ना केवल और कुछ नहीं छन सकता, जो एकदम छोटे छोटे कण है ना, वही छनेंगे, ठीक है. तो यदि हम देखें तो कॉटन मटेरियल दैट इज लाइक अ कॉटन, कॉटन की तरह कपड़ा है कि जिससे हर चीज छन नहीं सकता. नेट से तो छन जाएगा, ठीक है, लेकिन कॉटन का कपड़ा क्या है? फाइनेस्ट मटेरियल बस उसे छन सकता है, बाकी कुछ नहीं छन सकता. तो क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है कि वो कपड़े की तरह अपने इंटेलिजेंस को बता रहे हैं, ठीक. फिर क्या? द क्रिटिकल फैकल्टी इज डिफाइंड एज द मोस्ट पोटेंट वन इन ह्यूमन मेकअप बिकॉज इट इज ऑल परवेसिव एंड पावरफुल. इट सेपरेट्स द सिंपलटन फ्रॉम द इंटेलिजेंट मैन. इट इज अ हेल्प इन सोशल ट्रांजेक्शन.
ऑल ऑफ द अबव। देखो शुरू में बता दिया गया है कि पर्वेसिव है, लाइक अ ब्रीदिंग, यानी कि पर्वेसिवनेस है, सभी जगह व्याप्त है ये, ठीक। और इट सेपरेट्स द सिंपलिटन फ्रॉम द इंटेलिजेंट मैन, बिल्कुल ये जो क्रिटिकल फिकियरिटी ही हमें अलग करती है एक होशियार और मूर्ख की अपेक्षा, ठीक। बट इट इज हेल्प इन सोशल ट्रांजेक्शन, ये हमें नहीं पता है। लेकिन यदि हमें ये पता है कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, इसका मतलब क्या सही है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये हमने आपके 70 क्वेश्चन तक देखे हैं अनसीन पैसेज। बाकी जो नेक्स्ट पैरा है, यानी कि नेक्स्ट जो पोयम दिया हुआ है, इसके हम आंसर की हम नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे। ये सेशन को मैं यही पे एंड करूंगी, साथ में मैं लिंक अटैच करवा दूंगी पेडागॉजी का, तो आप अपने आंसर की को मिला लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। लेकिन एंड करने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।